नमस्कार डिजिट में आपका स्वागत है और आज हम रिव्यू करेंगे क्रियो मार्क वन स्मार्टफोन। स्मार्टफोन की कीमत 20,000 रुपये है। इसमें QHD डिस्प्ले है, हीलियो X10 SoC है और कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि रेगुलर UI अपडेट्स मिलेंगे इस फ़ोन को और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फ्यूल OS है। तो क्या आपको ये फ़ोन ख़रीदना चाहिए, हम आपको इस रिव्यू में बताएंगे। परफॉर्मेंस की बात करें तो QHD डिस्प्ले जो क्रियो मार्क वन पे है वो काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले है, लेकिन MediaTek हीलियो X10 SoC इस डिस्प्ले को पावर करने में काफ़ी मार खा जाता है। क्रियो मार्क वन में काफ़ी सारे लैग्स है। अगर हम कोई हैवी गेम ऑन करें तो उसमें 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग सकता है गेम को ऑन होने में। इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस एक गेम है जो कि अनरियल इंजन 3 पे बेस्ड है। मार्वल कंटेस्ट ऑफ चैंपियंस है, वो यूनिटी इंजन पे बेस्ड है और वो कम लैग करता है इनजस्टिस के मुकाबले में। एक सिंपल गेम जो कि टेंपल रन 2 है जो यूनिटी इंजन पे बेस्ड है, ये गेम भी इस फोन पे लैग करता है। आजकल स्मार्टफोन्स पे जितने भी गेम्स बनते हैं वो या तो यूनिटी इंजन पे बनते हैं या अनरियल इंजन पे बनते हैं। 20,000 रुपये के लिए इस फ़ोन की परफॉर्मेंस कुछ खास है नहीं। रेगुलर OS अपडेट्स के साथ आप क्या करोगे जब फ़ोन की बेसिक परफॉर्मेंस इतनी कुछ खास है नहीं, लेकिन हाँ इसकी OS थोड़ी सी यूनिक है और अब हम OS के बारे में बात करेंगे। फ्यूल OS की बात करें तो एसेंशली ये एक साइनोजन मॉड जैसा OS है, लेकिन उन लोगों के लिए है जो अपना फ़ोन मॉड नहीं करना चाहते हैं। इसका यूज़र इंटरफेस भी काफ़ी सिंपल है और क्रियो कहता है कि जो भी यूज़र फीडबैक आएगा वो सारा फीडबैक इस OS के अगले अपडेट्स में इनकॉर्पोरेट होगा। OS अपडेट्स कोई यूनिक या नई बात है नहीं। हमने Xiaomi पे भी देखा है कि Xiaomi ने कहा है कि वो भी MIUI के अपडेट्स काफ़ी रेगुलरली देगा। साइनोजन जैसे OS के साथ भी रेगुलरली अपडेट्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप क्रियो मार्क वन खरीदोगे तो आपको हर महीने फ्यूल OS के अपडेट्स मिलेंगे। फ्यूल OS काफ़ी हद तक स्टॉक एंड्रॉयड की तरह दिखता है। इसमें एक ऐप ड्रॉअर है और काफ़ी सारे फीचर्स है जो आपको स्टॉक एंड्रॉयड में दिखाई देंगे। सेंस ऐप की बात करें तो ये एप्पल स्पॉटलाइट सर्च की तरह चलता है। अगर आपको गूगल नाउ की आदत है तो आपको इस ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या आपको इस ऐप काफ़ी फेमिलियर लगेगा। अगर आप होम स्क्रीन पर हो तो आप स्वाइप डाउन कर सकते हो और सेंस का सर्च बार आपको दिखाई देगा। अगर आप कोई ऐप में हो तो आप होम बटन को 2 बार दबाइए और सेंस का सर्च बार दिखाई देगा। हाँ, लेकिन अगर आप गेम खेल रहे हो तो ये सर्च बार को देखने में काफ़ी टाइम लगेगा। एको ऐप की बात करें तो ये आपका एक पर्सनल आंसरिंग मशीन है फ़ोन के ऊपर। इररिस्पेक्टिव कि आपका सर्विस प्रोवाइडर कौन है, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, कोई भी हो, ये फीचर आपके फ़ोन में चलेगी। ऐप में एक एक्स्ट्रा टैब ऐड किया है जहाँ पे आपके ये मैसेजेस दिखाई देंगे। ये आपके पर्सनल आंसरिंग मशीन की तरह काम करता है। रिट्रीवर की बात करें तो हाँ, ये सबसे ज़्यादा फंक्शनल ऐप है फ्यूल OS में। अगर आपका फ़ोन खो चुका है या चोरी हो चुका है और इसमें एक नया सिम डाला गया है तो आपको एक ईमेल अलर्ट आ जाएगा ये बताते हुए कि ये फ़ोन में कौन सा सिम कार्ड इंसर्टेड है और किस लोकेशन पर। अगर आप एक FIR फाइल करते हो और FIR की कॉपी क्रियो को ईमेल करते हो तो आपको ये नया सिम इंसर्टेड का फुल फ़ोन नंबर मिल सकता है, जिसके ज़रिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और बता सकते हो कि ये फ़ोन आपसे चोरी हुआ था। ये काफ़ी एसेंशियल सिक्योरिटी फीचर है इस फ़ोन में। OS के एक फ्लॉ की बात करें तो ये एंड्रॉयड 5.1.1 पे चलता है, जबकि हमने आज के डेट में कुछ ऐसे फ़ोन्स देखे हैं, बजट फ़ोन्स, जो एंड्रॉयड 6.0 मार्शमेलो पे चलते हैं। हाँ, फ्यूल OS के अपडेट्स ज़रूर आएंगे, लेकिन वो UI अपडेट्स हो गए, एंड्रॉयड अपडेट्स नहीं हो गए या कुछ कुछ हो सकते हैं। लेकिन इन अपडेट्स का क्या फ़ायदा जबकि आजकल हम एंड्रॉयड N का इंतज़ार कर रहे हैं और ये फ़ोन तब भी एंड्रॉयड 5.1.1 पे ही चल रहा है। कैमरा की बात करें तो क्रियो मार्क वन में कैमरा कुछ खास है नहीं। इसमें एक 21 मेगापिक्सल सोनी IMX230 सेंसर है जो कि मोटरोला के मोटो एक्स प्ले में भी है, लेकिन मोटो एक्स प्ले काफ़ी बेहतर फोटोज खींचता है क्रियो मार्क वन के मुकाबले में। वन प्लस एक्स भी क्रियो मार्क वन से बेहतर फोटो खींचता है। क्रियो मार्क वन के कैमरा की बात करें तो इसमें फोकसिंग में काफ़ी टाइम लगता है और इसके इमेजेस भी कुछ खास है नहीं। बैटरी की बात करें तो क्रियो मार्क वन में 3100 mAh बैटरी है जो कि बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है QHD डिस्प्ले की वजह से। अगर आप एक रेगुलर यूज़र हो तो आपको लगभग 8 घंटे की ऑन स्क्रीन टाइम मिलनी चाहिए इस फ़ोन से। अगर आप एक हैवी यूज़र हो तो आपको एक चार्जर या बैटरी बैंक लेकर घूमना पड़ेगा।
तो हमारा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि 20,000 रुपये के लिए जो आपको इस फ़ोन में परफॉर्मेंस मिलती है, उससे बेहतर परफॉर्मेंस आपको एक 12,000 रुपये Xiaomi Redmi Note 3 में मिल सकती है। कैमरा की बात करें तो इससे बेहतर कैमरा आपको Moto X Play या OnePlus X पे भी मिल सकता है। हाँ, इस फ़ोन का बिल्ड काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमने काफ़ी सारे फ़ोन्स देखे हैं इससे सस्ते जो बहुत ही बढ़िया बिल्ड फ़ोन्स है। तो हाँ, 20,000 रुपये के लिए Creo Mark 1 को रेकमेंड करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है। अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक बटन भी दबा सकते हो, और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए Digit के YouTube चैनल पर जारी रहिए।